हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव एंड वेलकम टू डॉक्टर हेल्थ केयर। आज आपसे बात करने वाला हूं टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप्स के बारे में, जो हमने बनाया है अपने क्लिनिक में। 100 ml का ग्लास बॉटल है, 7 मेडिसिन इसमें डाली हुई हैं, दुनिया भर में फेमस हैं। और ये कैसे काम करती हैं आगे आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। बहुत अच्छी अच्छी और हाई क्वालिटी मेडिसिन को यूज़ किया गया है। जैसे अश्वगंधा है, आपको शारीरिक और मानसिक ताकत देता है, सारी दुनिया में फेमस है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत अच्छा है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए जितने भी सप्लीमेंट बनते हैं उन सब में अश्वगंधा को डाला जाता है। अब इसके बाद हमने डाला है इसमें कैलेडियम। कैलेडियम सेक्सुअल ग्लैंड्स पर काम करता है, होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है। और टेस्टिस भी ग्लैंड है जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन बनता है, जहाँ पर सेमन बनता है, जहाँ पर स्पर्म काउंट बनते हैं। तो कैलेडियम बेस्ट मेडिसिन है ग्लैंड्स पर काम करने के लिए, ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करता है। तीसरी मेडिसिन इसमें हमने डाली है डामियाना। डामियाना मूड को रिलैक्स करती है, आपको कूल रखती है, माइंड को शांत रखती है, और दुनिया भर में फेमस है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए। जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से जो स्पर्म काउंट की कमी हो जाती है, वहाँ पर तो ये बहुत अच्छी है। और इम्पोटेंसी के साथ साथ इनफर्टिलिटी में भी, होम्योपैथी में जो दवाइयाँ इम्पोटेंसी में दी जाती हैं वही इनफर्टिलिटी में भी दी जाती हैं, तो डामियाना इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी दोनों में बेस्ट है। तो इम्पोटेंसी यानी कि पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा, पेनिस स्टैंड होना बंद हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और इनफर्टिलिटी यानी कि इरेक्शन आ रहा है, टाइट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्पर्म काउंट नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन में ये बेस्ट मेडिसिन है डामियाना। इसके बाद हमने इसमें डाला है आपका जिंगो बाइलोबा, पूरी दुनिया में फेमस है। और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए जितने भी सप्लीमेंट बनाए जाते हैं उन सब में जिंगो बाइलोबा डाला जाता है, उसके बिना वो बन ही नहीं सकता। जिंगो बाइलोबा पेनिस की नसों में ब्लड सर्कुलेशन को डायरेक्ट बढ़ाता है और आपको मानसिक शांति देता है। 40 साल की उम्र के बाद जो लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है वो इसको ज़रूर लें, और यंग बच्चे भी लें, क्योंकि यंग बच्चों में बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की कमी आ रही है आजकल, 200, 300, 400 आ रहा है। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये ठीक है, वो उसके स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, लेकिन अगर आप हमारी नज़र से देखो तो हम इसको 200, 300, 400 को हम नॉर्मल नहीं मानते हैं। अगर एक 20-22 साल के बच्चे का टेस्टोस्टेरोन 200, 300, 400 आ रहा है, तो ये जो 900, 1000 की रेंज रखी गई है वो किसके लिए रखी गई है? बुजुर्गों के लिए थोड़ी रखी गई है। आप ये सोचो कि टेस्टोस्टेरोन की कमी अगर आपकी बॉडी में है, एक 20-22 साल के बच्चे का टेस्टोस्टेरोन 300 आ रहा है, तो ये जो 300 आना चाहिए वो 60 साल की उम्र के इंसान का आना चाहिए। आपका 25 साल की उम्र में आ रहा है, तो आप समझो कि आप एक 60 साल की उम्र के इंसान की ज़िंदगी जी रहे हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आलस आता है, सुस्ती आती है, सारा दिन लेटे रहने का मन करता है, चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप छोटे छोटे कामों में थक जाते हो, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो आप समझो कि आप 25 साल की उम्र में एक 60 साल के इंसान की ज़िंदगी जी रहे हो। उसका कारण ये है कि भाई टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी तो आपकी बॉडी में 60 साल की उम्र वाले इंसान की है ना, तो सारा खेल हॉर्मोन्स का है आपकी बॉडी में। लोग कहते हैं टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी, क्यों हो गई? क्योंकि कोर्टिसोल हॉर्मोन बढ़ गया, हॉर्मोन्स का ही खेल है सारा। टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी, कोर्टिसोल हॉर्मोन बढ़ गया और आपको टेंशन होगी। कोर्टिसोल हॉर्मोन्स खत्म हो गया तो आपकी टेंशन खत्म हो गई, सिंपल है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, यंग बच्चे भी इसको ले सकते हैं, 100% नेचुरल है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। एक एक चीज़ को देखकर सभी मेडिसिन को बड़ा ही सही तरीके से इसमें मिलाया गया है, और अलग अलग रेशो में, अलग अलग क्वांटिटी में इसको, सभी मेडिसिन को अलग अलग पोटेंसी में मिला करके बनाया गया, तो ये नुकसान नहीं कर सकता, आपको फ़ायदा ही करेगा। उसके बाद हमने डाला है इसमें जिनसेंग। जिनसेंग जो है पूरी दुनिया में होम्योपैथी की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन है, महंगी मेडिसिन है, और जिनसेंग जो है जिंगो बाइलोबा के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। तो जिंगो बाइलोबा जहाँ डाला जाएगा वहाँ जिनसेंग भी डाला जाएगा, वरना वो मामला अधूरा हो जाएगा पूरा उसका। तो जिनसेंग बहुत ज़बरदस्त दवाई है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती है, और भी कई काम है इसके। तो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए जिनसेंग बहुत अच्छी है, जिंगो बाइलोबा बहुत अच्छी है। तो ये सारी दवाइयाँ ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करती हैं, बल्कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कॉन्फिडेंस से आप भर जाओगे, चुस्ती फुर्ती ताकत महसूस होगी, एक्सरसाइज करने का मन करेगा,
आपकी इच्छा सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बढ़ जाएगी। जब आपकी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ने लग जाए तो आप समझो कि टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ रही है। तो ये सिंपल सा एक साइन मैंने बता दिया। अब इसके बाद हमने डाला है इसमें ट्रिबुलस टर। ट्रिबुलस टर पूरी दुनिया में फेमस है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। और जब भी कोई भी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए सप्लीमेंट बनेगा, चाहे वो आयुर्वेद में हो या होम्योपैथी में हो, ट्रिबुलस टर जरूर डाला जाएगा। अगर वो नंबर वन पे डाला जाएगा, अगर वो नहीं डाला गया तो आप समझो कि वो अधूरा है, उससे कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होने वाला है। होम्योपैथी आयुर्वेद में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बड़ा नेचुरल है। और इनमें इनके साइड इफ़ेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि इसमें कोई केमिकल या स्टीरोइड नहीं डाले जा सकते, इसीलिए आपको ये अच्छा फ़ायदा भी करते हैं लॉन्ग टर्म में। और 4-5 महीने अगर आपने इसको रेगुलर ले लिया, आपकी चुस्ती फुर्ती ताकत आपको अच्छी महसूस होगी, सेक्सुअल डिज़ायर आपकी अच्छी बढ़ जाएगी, जिसको लिबिडो बोलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है, 60 साल की उम्र के बाद या 50 साल की उम्र के बाद क्या होता है, अच्छे खासे इंसान होते हैं, पेनिस में एकदम से छोटापन आ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा पेनिस। तो ये क्यों होता है? क्योंकि 60 साल की उम्र हो गई है, टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो गया है या बंद हो गया है। तो वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो पेनिस श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, इरेक्शन नहीं आएगा, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो उन सब के लिए है ये, तो सेक्सुअल डिज़ायर को भी बढ़ाएगा। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो नेचुरली आपके जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स है वो भी कम होंगे, ख़त्म होंगे, आपकी टेंशन ख़त्म होगी, चुस्ती फुर्ती आएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और लास्ट है इसमें योहिमिनम। योहिमिनम के बारे में बता देता हूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन है और पेनिस की नसों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और आपके ब्रेन में आपके माइंड को ताकत देने के लिए इसका कोई जवाब नहीं है। सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में यूज़ होती है और एलोपैथी में भी योहिमिनम का यूज़ होता है सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाने के लिए। तो कई तरह की एलोपैथिक दवाइयों में भी योहिमिनम को डाला जाता है। योहिमिनम बहुत अच्छी दवाई है और इसको आप इसमें हमने इसमें डाला हुआ है और अलग अलग रेशो में, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग पोटेंसी में इन सभी दवाइयों को डाला गया है और यह बड़ा ज़बरदस्त कंपोजिशन बना है। मेरी रिक्वेस्ट है एक बार इसको ज़रूर यूज़ करें और 3-4-5-6 महीने, साल भर भी खा सकते हैं, नेचुरल है, कोई नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। तो टेस्टोस्टेरोन आपका 700-800-900 अगर है तो बहुत अच्छी बात है और आपकी मसल्स बनती हैं, आपके साइडों में जो बल्जेस हैं अगर वो निकल जाएं या पेट बाहर आ जाए, कौन निकल जाए, तो आप समझो कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है। मांस आपका लटक जाए, ढीला पड़ जाए, तो आप समझो टेस्टोस्टेरोन की कमी है। बाल आपके झड़ने लग जाएं, आंखें कमज़ोर हो जाएं, तो आपको समझना है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है। पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा, पेनिस लूज बना हुआ है, फ्लैसिडिटी है, स्पर्म काउंट की कमी हो गई है। स्पर्म काउंट बन ही नहीं सकते टेस्टोस्टेरोन के बिना, तो स्पर्म काउंट की कमी है तो भी आप समझो कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है। सेमन की क्वालिटी ख़राब हो गई है, बिल्कुल पतला नज़र आ रहा है, छूने से आप उसको देखते हो एकदम पतला लग रहा है, या फिर आप देखते हो हल्के से एक पीलापन उसमें आ रहा है, या फिर उसमें जो स्मेल पहले आती थी वो अब नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी जब टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी और जब आप इसको लोगे तो टेस्टोस्टेरोन की कमी पूरी होगी, कोर्टिसोल हार्मोन्स कम होंगे और टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, चुस्ती फुर्ती ताकत आ जाएगी। 100% नेचुरल है, साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। और आप इसको अगर इसके बारे में कुछ भी पूछना है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल में आपको सारी जानकारी दे देंगे और कोरियर से ऑल ओवर इंडिया में इसको हम भेजते हैं। थैंक यू सो मच।